यूपी निकाय चुनाव में जीत के लिए सपा ने झोंकी ताकत, नाराज कार्यकर्ताओं को मानकर डैमेज कंट्रोल में जुटी पार्टी। नगर निकाय चुनाव में महानगर के अधिक वार्डों में जीत हासिल करने के लिए सपा ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। महानगर के कार्यकर्ताओं को सहेजने के लिए 9 पूर्व जिलाध्यक्ष लगाए गए हैं। वहीं विरोध का सामना करने वाले प्रत्याशियों के वार्ड में पहुँच कर जनसंपर्क कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में अधिक वार्डों में जीत सुनिश्चित करने के लिए नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं को मनाकर डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। हाईकमान के दिशा निर्देश पर वरिष्ठ नेताओं ने महानगर के कार्यकर्ताओं को सहेजने के लिए पूर्व जिलाध्यक्ष जैन प्रत्याशियों को पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन वार्डों में पहुँच घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। वे न सिर्फ कार्यकर्ताओं को सहेज रहे हैं बल्कि जहाँ उनके प्रत्याशी कमजोर पड़ रहे हैं वहाँ के एक एक मतों को पार्टी के पक्ष में जोड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को सहेजने के लिए लगाए गए 9 पूर्व जिलाध्यक्ष महानगर में 9 पूर्व जिलाध्यक्षों के अलावा जिले के चुनाव को संचालित करने के लिए पूर्व पदाधिकारियों और पूर्व विधायकों की 155 सदस्यीय टीम भी एक एक मतों को सहेजने में जुट गई है। वरिष्ठ कार्यकर्ता बूथवार समीक्षा कर मतों को अपने पक्ष करने में लग गए हैं। पार्टी के जानकारों का कहना है कि लगभग 6 वार्डों में पार्टी वैसे भी कमजोर दिख रही है। 3 वार्ड में तो घोषित प्रत्याशियों ने पर्चा ही नहीं भरा है। 2 वार्ड में सिंबल मिलने के बाद भी घोषित प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उसके सामने पार्टी के ही कार्यकर्ता पार्टी के सिंबल पर मैदान, ऐसे वार्ड पार्टी के लिए चुनौती बने हुए हैं। पार्टी के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी कहते हैं कि एक वार्ड में 4 से 5 आवेदन आए थे। प्रत्याशी तो कोई एक ही होगा। नामांकन के बाद आवेदन करने वाले सभी कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में आ गए हैं और उनके साथ जनसंपर्क भी कर रहे हैं। सभी वार्डों में वरिष्ठ कार्यकर्ता लगे हैं जो एक एक मत को सहेजने में लगे हैं। अब कहीं कोई विरोध नहीं है, कार्यकर्ता पार्टी हित में कार्य कर रहे हैं। दरअसल पार्षद प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच खींचातान हुई थी। लेन देन का ऑडियो प्रसारित होने के बाद फार्म और सिंबल वितरण में माननीय तथा जानबूझकर समय से वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं करने के आरोप से पार्टी कार्यकर्ताओं में घमासान मचा हुआ था।